चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। हाँ ओके, अब जो टॉपिक हम लोग को करना है उस टॉपिक का नाम है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं बेटा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में बहुत डिफरेंस है कि नहीं है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है? जो सारी एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद जो लास्ट में बच जाता है, जिसको हम पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेबल और नेट प्रॉफिट वो होता है जो हमें पीएनएल से मिलता है। क्लियर? जो एक तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्लियर? चलिए जी, नेट प्रॉफिट भी लिख देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए जी शुरू करें। ओके, इस केस में हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इस केस में आपको ना वर्किंग नोट बनाना है एक। चलो मैं आपको पहले सिचुएशन बताता हूं कि क्या सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा नेट प्रॉफिट है 3 लाख का। कितना है जी नेट प्रॉफिट? 3 लाख का हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो है जी 3 लाख का। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है क्या? मान लीजिए सभी पार्टनर्स को सैलरी देनी है, ए बी सी को सैलरी देनी है 50,000 की। डन? ओके, इसके बाद सभी पार्टनर्स को कमीशन देना है, ए को देना है 1 लाख, बी को देना है 50,000 और सी को देना है 70,000 मान लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा सभी पार्टनर्स को आईओसी भी देना है बेटा। ठीक है ना, आईओसी देना एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है ए की, बी की और सी की। इसकी दे रखी है जी 5 लाख, इसकी दे रखी है 4 लाख और इसकी दे रखी है जी 3 लाख। डन? सारे एप्रोप्रिएशन दे रखे हैं और आपको बोला जी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और पीएसआर दे रखा है, पीएसआर है तीनों का 3-2-1, ये है पीएसआर। डन? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, लेकिन जब इस क्वेश्चन को आप बनाने लगेंगे तो आप देखेंगे यार प्रॉफिट कितना है 3 लाख, और एक बार देखते हैं कि एप्रोप्रिएशन देनी कितनी है। तो 50-50-50 डेढ़ लाख की तो गई सैलरी। डन? इसके बाद कमीशन डेढ़ और 70 कितना हो गया बेटा, 2,20,000 का हो गया कमीशन। डन? और उसके बाद हमारी हो गई आईओसी। आईओसी कितनी हो जाएगी, इस पे 10% 50,000, इस पे 10% 40,000 और इस पे 10% 30,000। तो 5 और 9 3 1,20,000 का हमारा ये हो गया। तो अगर आप टोटल अप्रोप्रिएशन देखें बेटा, तो 1,50 + 2,20, 2 और 1 3 3 70, 3 70 और 20 3 90 और 1 4 90। तो सर प्रॉफिट है हमारा 3,000 3 लाख, विच इज लेस देन टोटल अप्रोप्रिएशन विच इज 490। इसी सिचुएशन की बात कर रहे थे हम कि सर ऐसे में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा आपको? चलिए जी, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा वो देखना है। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक वर्किंग नोट बनाना है और मैं आपको वर्किंग नोट बना के दिखाता हूं छोटा सा। यहीं पर आपको एक वर्किंग नोट बनाना है जिसके अंदर आपको सारे पार्टनर्स को जो जो अप्रोप्रिएशन मिलनी है उन सब अप्रोप्रिएशन को लिख लेना है। ठीक है ना, देखो कितना सिंपल सा वर्किंग नोट है। यहां हम लिखेंगे जी पर्टिकुलर्स, यहां हम लिखेंगे ए बी सी, कुछ नहीं करना है आपको। यहां अप्रोप्रिएशन का नाम लिखना है, जिस जिस पार्टनर को जो जो अप्रोप्रिएशन मिलनी है उनकी सारी अप्रोप्रिएशन को आप लिस्ट कर लीजिए, लिख लीजिए सारी अप्रोप्रिएशन। ठीक है जी, कैसे लिखेंगे? जैसे देखो हमारे केस में क्या मिलनी है, सैलरी मिलनी है, तो मैं लिखेंगे जी सैलरी 50 50 50, तीनों को 50 मिलनी है ना जी। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे जी कमीशन, और कौन सा अप्रोप्रिएशन हमारे पास, कमीशन कितना 1,50,70, तो यहां पर आ जाएगा जी 1, यहां आ जाएगा जी 50 और यहां आ जाएगा जी 70। कोई दिक्कत अभी तो कुछ भी डिफिकल्ट है? हाँ, सिर्फ वर्किंग नोट ही बनाना और कुछ नहीं। चले आगे, इसके बाद तीसरा जी आईओसी, आईओसी भी दे रखा है जी हमें 50 40 30, तो हम यहां लिखेंगे जी 50, यहां लिखेंगे जी 40 और यहां लिखेंगे 30। कोई दिक्कत? इसके बाद आपको सारी अप्रोप्रिएशन लिख ली, कोई भी अप्रोप्रिएशन आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है ना, और मैक्सिमम अप्रोप्रिएशन कितनी होंगी बेटा, 3। 3 से ज्यादा अप्रोप्रिएशन तो हो ही नहीं सकते, हमारे सिलेबस में 3 है। तो 3 अप्रोप्रिएशन लिख के आपको यहाँ क्या करना है, टोटल। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सर कमीशन सिर्फ इसको देना और इसको देना, इसको नहीं देना, तो यहाँ डैश लगा दो। ठीक है ना,
उसमें घबराने की जरूरत नहीं, जिस जिस पार्टनर को जो जो एप्रोप्रिएशन मिलनी है उसको बस लिस्ट कर लो यहां पर, ठीक है। अब आपको हर पार्टनर को इंडिविजुअली हमें कितनी टोटल एप्रोप्रिएशन मिलनी है वो आ जाएगी, कितनी टोटल एप्रोप्रिएशन मिलनी है वो आ जाएगी, ठीक है ना। वो सॉल्व कर लेते हैं, 50-50 एक लाख और एक लाख, इसको मिलने हैं जी 2 लाख, कितने मिलने हैं, ओके 50-50 और 140 एक 40, और इसको मिलना है जी 50 एक 50, ठीक है जी। तो हमारा फाइनल टोटल एप्रोप्रिएशन कितना आ गया, 120 एक 40 और एक 50, ठीक है। इसको मैं यहां लिख लेता हूं एक बार समझाने के लिए आपको, 120 नहीं सॉरी 2 लाख, एक 40 और एक 50, यही तो आ गया। हाँ, इसका बेटा आपको क्या बनाना है, रेशो बनाना है, क्या बनाना है, रेशो। रेशो बनाने के लिए क्या सिंपल सा तरीका है, इसको रिड्यूस करते जाओ, कॉमन नंबर से जितना कट रहा है काट दो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सबके पास चार चार जीरो है, तुम बड़े आसानी से चार चार जीरो काट सकते हैं सबकी, है ना। तो ये रिड्यूस होकर बचेगा बेटा 20, 14 और 15, ठीक है ना। अब आपको देखना है क्या ये किसी कॉमन नंबर से रिड्यूस हो रहा है, बोलिए नहीं हो रहा रिड्यूस, तो बेटा ये हमारा रेशो बन गया। इसी रेशो में आपको जो पूरा प्रॉफिट है 3 लाख, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर, सिंपल खत्म, आपको एप्रोप्रिएशन की रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब मेरी बात सुनो, ये पूरी राम कथा समझाने के बाद एक लाइन में मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूं कि हम करते क्या है। व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, इन सच अ केस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है, समझ में। तो एक लाइन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए, क्लियर। आपको कुछ नहीं करना, हर पार्टनर के एप्रोप्रिएशंस करनी है, एप्रोप्रिएशंस का टोटल कर लेना और उस एप्रोप्रिएशन का रेशो बना लेना है, और आपको पूरा प्रॉफिट एक ही बार में सीधा उस रेशो के एप्रोप्रिएशन के रेशो में बांट देना है। इज दैट क्लियर, नहीं पीएसआर का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है ना। इस केस में सिर्फ, हमेशा ऐसा नहीं करना बेटा, सिर्फ इस केस में, ठीक है ना। मैं आपको फटाफट एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, करके दिखा दूं, हाँ निकालो फटाफट एक क्वेश्चन, हाँ बोलो इस रेशो में। अरे वो तो मैंने बनाया ना क्वेश्चन, इसलिए ऐसा ऊपर-नीचे रेशो बनाया, डोंट वरी। जब बुक में क्वेश्चन आते हैं तो वो रेशो इस तरीके का बनेगा कि आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सके, कर तो हम इसमें भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पॉइंट्स में आएगा आंसर, ठीक है ना। क्योंकि मैंने इतना कैलकुलेट नहीं किया था, मैंने सीधा ही फ्लो में आंसर बना, वो क्वेश्चन बना दिया था, ठीक है ना। अभी मैं जो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बुक का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें प्रॉपर मैं आपको बांट के भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो यानी कि व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। बस इतना सा टॉपिक था, ठीक है ना, उसके लिए इतनी महाभारत करनी पड़ी। चलिए जी 27वें पे आ जाइए, इसी ने जान खा रखी है जब से, आ जाइए जी 27वां क्वेश्चन, बोलूं शुरू करूं। ऑन 1st April 2013 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज, ठीक है जी। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल 80-50 रिस्पेक्टिवली एंड अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3-2, ठीक है ना, 3-2 के अंदर रेशो उनको शेयर करना है प्रॉफिट, लेकिन ये तब होगा जब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा, ठीक है ना। इन दी अगर एप्रोप्रिएशन ही ज्यादा हो गए प्रॉफिट से तो इस रेशो की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है ना, फिर हम एप्रोप्रिएशंस के रेशो बनाएंगे और उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलते हैं जी आगे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 7800 का ही प्रॉफिट अर्न किया उन्होंने, क्लियर। तो फटाफट अपन आईओसी निकाल लेते हैं, 9% आईओसी देना है एप्रोप्रिएशन। कैपिटल है बेटा इनकी 80 और 50, तो 80 पे 9% कितना होगा और 50 पे 9% कितना होगा, ये आईओसी हो गया बेटा, बोलो ये आईओसी हो गया ना, किस किस का, क्या नाम है, जय और विजय, ठीक है जी। जय और विजय का आईओसी निकाल लिया बेटा अपन ने, और साफ साफ पता चल रहा है कि आईओसी ज्यादा है प्रॉफिट से, ठीक है ना। 7 और 4 11 11,700, तो हमारे एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन हमारा प्रॉफिट, कितना 7800 का, आई गेस ऐसे कुछ है ना, ठीक है। तो सर इस केस में क्या करेंगे, वही करेंगे बेटा जो भी सिखाया था, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो एप्रोप्रिएशन है उनको लिस्ट कर लेना है, फटाफट एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वैसे यहां पर जरूरत नहीं क्योंकि यहां पर एक ही एप्रोप्रिएशन है, आने वाले क्वेश्चंस में जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे उनमें दो दो तीन तीन एप्रोप्रिएशन होंगे, तो वहां पर आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां वर्किंग नोट बनाऊंगा अभी तो जय का सिर्फ एक ही एप्रोप्रिएशन है, दैट इज 7200, और विजय का भी सिर्फ एक ही एप्रोप्रिएशन है, दैट इज 4500, इनका टोटल भी यही आने वाला है बेटा। तो इसका मतलब हमें 7200 और 4500 का ही रेशो बनाना है, करेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए इसको रिड्यूस करना शुरू करते हैं, दो दो जीरो हटा दो पहले, क्या ये दोनों किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है, 8:5, ठीक है, कितने से करूं बताओ,
नौ से करेंगे, शाबाश। देखो तीन से करोगे तब भी हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। तो कोशिश क्या करो, बड़े से बड़ा नंबर ढूंढने का जिससे फटाफट रिड्यूस हो जाए। तो 9 8 जा और 9 5 जा, इससे ज्यादा रिड्यूस हो पाएगा तो हमें इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 7800। अब प्रेजेंटेशन देख लो फटाफट, ये हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन है बेटा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट डेबिट बाय पीएनएल। क्या लेकर आए हम पीएनएल से, नेट प्रॉफिट कितना 7800। लेकिन अब हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि हम अप्रोप्रिएशन अलग से बांटे और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अलग से दें, हम सीधा इस प्रॉफिट को 8:5 की रेशो में बांटने वाले हैं। तो हम यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, क्या नाम है जी, जय और विजय, ठीक है। अब यहां पर 7800 को हमें डिवाइड करना है बेटा 8 और 5 के टोटल से, 13 से, तो 13 से तो पूरा पूरा डिविजिबल है, कितने से जाएगा बताओ, कितने से जाएगा, 13 6 78 होता है बेटा, ठीक है ना, ठीक है, 13 6 78, तो 6 पे गया और 2 0 600, तो यानी कि इसको डिवाइड करने से 600 आ रहा है। 600 को अगर मैं अब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जय का शेयर आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो विजय का आ जाएगा, तो 8 6 48 और 5 6 30, चेक करो आंसर यही है क्या, बोलो बेटा 7800। क्या हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यस, इन द रेशो ऑफ अप्रोप्रिएशंस। अब मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूं फटफट, सुन लो, आपकी बुक में क्या करते हैं कि अगर सिर्फ इस केस में एक ही अप्रोप्रिएशन देना था आईओसी, तो वो यहां पर यूज करते हैं बेटा टू आईओसी और इसको आईओसी की तरह बांटते हैं। सुन लो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, इट्स इंपॉर्टेंट, ताकि आप कंफ्यूज ना होकर जाके आपको लगे कि अरे सर ने गलत करवा दिया। तो मैं पहले ही आपको बताता हूं, अगर एक ही अप्रोप्रिएशन होता है तो वो यहां टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू नहीं लिखते, वो यहां लिखते हैं टू आईओसी और जय और विजय को ये दे देते हैं, ठीक है ना, 7800 हो जाता है, विच इज रॉन्ग, जो ठीक नहीं है, ठीक है ना। चाहे एक, अच्छा जब एक से ज्यादा अप्रोप्रिएशन होंगे तब क्या करेंगे, मान लीजिए आईओसी सैलरी और आईओसी, नहीं 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 वर्किंग नोट बना लीजिए, पर अल्टीमेटली रेशो में बांटने के लिए आपके पास नंबर तो एक ही आएगा ना, तो आप उसको आईओसी के नाम से लिखोगे, सैलरी के नाम से लिखोगे, कमीशन के नाम से लिखोगे, समझ रहे हैं। तो आपकी बुक में क्या किया होता है, अगर एक अप्रोप्रिएशन होती है तो उसको अप्रोप्रिएशन के नाम से लिख देते हैं, एक से ज्यादा अप्रोप्रिएशन होती है तो उसको प्रॉफिट के नाम से लिखते हैं। तो इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में कि यार आईओसी लिखना है कि प्रॉफिट लिखना है। तो बेटा मैं आपको बोल रहा हूं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको हमेशा क्या लिखना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है ना, क्योंकि अब हम यहां पर आईओसी नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, आईओसी देने लायक तो पैसा ही नहीं हमारे पास, हम प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट्स नॉट आईओसी, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो आपको डे वन से स्टार्टिंग में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखना है, जैर बेजा, हो सकता है आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन के अंदर टू आईओसी लिखा हो, बट नीड नॉट टू फॉलो दैट, ठीक है ना, आपको आईओसी नहीं लिखना, आपको सीधा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखना है, ठीक है ना, डन। क्योंकि जब भी ऐसा केस होगा अप्रोप्रिएशन ज्यादा होंगी प्रॉफिट से, तो उस केस के अंदर हम कोई अप्रोप्रिएशन नहीं देते हैं, हम पूरे प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डन, समझ में आ गया। तो दीज वर द टू टॉपिक्स जो आज हमें करने थे, पहला भी एक करवा दी, ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन सीख लिया है, और प्रॉफिट्स मोर देन अप्रोप्रिएशंस होते हैं वो कैसे करना है वो भी सीख लिया है, डन, पक्का, ठीक है जी। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज की क्लास के लिए मैं इतना ही करेंगे बस, आपको अप टू 27 जितने भी क्वेश्चंस पेंडिंग है रह रहे हैं वो आपको करने हैं।